हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में धड़क 2 जल्दी आने वाली है, इसका टीजर वीडियो रिलीज कर दिया है और ये फिल्म इसी साल आने वाली है, इसके बारे में बात करेंगे। जोहर ने धड़क 2 का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। यह फिल्म इसी साल सिनेमा घर में दस्तक देगी। सिद्धार्थ चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी फिल्म में रीढ़ भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म के निर्देशक का जिम्मा शाजिया इकबाल ने संभाला है। करण जौहर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर फिल्म का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट साझा किया है, इसमें फिल्म का एक टीजर वीडियो साझा किया गया है। इसके साथ ही कैप्शन में लिखा है, यह कहानी है थोड़ी अलग, क्योंकि एक था राजा एक थी रानी, जात अलग थी, खत्म कहानी। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि फिल्म में तृप्ति डिमरी और सिद्धार्थ चतुर्वेदी लीड रोल में है। यह फिल्म 22 नवंबर को रिलीज होगी। फिल्म का टीजर देखकर लग रहा है कि किसी दुख भरी कहानी पर आधारित होगी। शुरुआत में लिखा आता है, एक था राजा एक थी रानी, जात अलग थी। बैकग्राउंड से आवाज आती है, जो सपना देख रही हो विटी, उसमें मेरे लिए कोई जगह नहीं है। जवाब मिलता है, तो फिर तुम ही बताओ नीलेश कि इस फिल्म का क्या करूं। गाना चलता है, दुनिया अलग है मेरी तुम्हारी, कैसे मिलेंगे आग और पानी। इस फिल्म को जी स्टूडियो, धर्मा प्रोडक्शन और क्राउन 9 पिक्चर्स मिलकर बना रहे हैं। फिल्म को लेकर जानकारी साझा की गई है। टीजर वीडियो देखकर लग रहा है कि यह एक ऐसी लव स्टोरी फिल्म लग रही है, जो सामाजिक प्रथाओं को चुनौती देती नजर आ रही है। फिल्म में जाति और वर्गों में बटे समाज की हकीकत पेश किया गया है। करण जौहर के पोस्टर पर सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने हार्ट इमोजी पोस्ट कर रिएक्शन दिए है। फिल्म का ऐलान होने पर यूजर की प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ यूजर जानवी और ईशान को याद करते दिख रहे हैं। कुछ यूजर उत्साह जताते हुए दावा कर रहे हैं यह फिल्म धमाका करेगी। एक यूजर ने लिखा, फाइनली ऐलान तो हुआ, दीप्ति डिमरी और सिद्धार्थ की फिल्म कमाल करेंगी, ये तो तय है। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में धड़क 2 जल्दी आने वाली है, इसका टीजर वीडियो रिलीज कर दिया है और ये फिल्म इसी साल आने वाली है, इसके बारे में बात करेंगे। जोहर ने धड़क 2 का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। यह फिल्म इसी साल सिनेमा घर में दस्तक देगी। सिद्धार्थ चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी फिल्म में रीढ़ भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म के निर्देशक का जिम्मा शाजिया इकबाल ने संभाला है। करण जौहर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर फिल्म का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट साझा किया है, इसमें फिल्म का एक टीजर वीडियो साझा किया गया है। इसके साथ ही कैप्शन में लिखा है, यह कहानी है थोड़ी अलग, क्योंकि एक था राजा एक थी रानी, जात अलग थी, खत्म कहानी। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि फिल्म में तृप्ति डिमरी और सिद्धार्थ चतुर्वेदी लीड रोल में है। यह फिल्म 22 नवंबर को रिलीज होगी। फिल्म का टीजर देखकर लग रहा है कि किसी दुख भरी कहानी पर आधारित होगी। शुरुआत में लिखा आता है, एक था राजा एक थी रानी, जात अलग थी। बैकग्राउंड से आवाज आती है, जो सपना देख रही हो विटी, उसमें मेरे लिए कोई जगह नहीं है। जवाब मिलता है, तो फिर तुम ही बताओ नीलेश कि इस फिल्म का क्या करूं। गाना चलता है, दुनिया अलग है मेरी तुम्हारी, कैसे मिलेंगे आग और पानी। इस फिल्म को जी स्टूडियो, धर्मा प्रोडक्शन और क्राउन 9 पिक्चर्स मिलकर बना रहे हैं। फिल्म को लेकर जानकारी साझा की गई है। टीजर वीडियो देखकर लग रहा है कि यह एक ऐसी लव स्टोरी फिल्म लग रही है, जो सामाजिक प्रथाओं को चुनौती देती नजर आ रही है। फिल्म में जाति और वर्गों में बटे समाज की हकीकत पेश किया गया है। करण जौहर के पोस्टर पर सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने हार्ट इमोजी पोस्ट कर रिएक्शन दिए है। फिल्म का ऐलान होने पर यूजर की प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ यूजर जानवी और ईशान को याद करते दिख रहे हैं। कुछ यूजर उत्साह जताते हुए दावा कर रहे हैं यह फिल्म धमाका करेगी। एक यूजर ने लिखा, फाइनली ऐलान तो हुआ, दीप्ति डिमरी और सिद्धार्थ की फिल्म कमाल करेंगी, ये तो तय है। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में धड़क 2 जल्दी आने वाली है, इसका टीजर वीडियो रिलीज कर दिया है और ये फिल्म इसी साल आने वाली है, इसके बारे में बात करेंगे।
जोहर ने धड़क 2 का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। यह फिल्म इसी साल सिनेमा घर में दस्तक देगी। सिद्धार्थ चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी फिल्म में रीड भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म के निर्देशक का जिम्मा शाजिया इकबाल ने संभाला है। करण जौहर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर फिल्म का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट साझा किया है। इसमें फिल्म का एक टीजर वीडियो साझा किया गया है। इसके साथ ही कैप्शन में लिखा है, यह कहानी है थोड़ी अलग, क्योंकि एक था राजा एक थी रानी, जात अलग थी, खत्म कहानी। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि फिल्म में तृप्ति डिमरी और सिद्धार्थ चतुर्वेदी लीड रोल में है। यह फिल्म 22 नवंबर को रिलीज होगी। फिल्म का टीजर देखकर लग रहा है कि किसी दुख भरी कहानी पर आधारित होगी। शुरुआत में लिखा आता है, एक था राजा एक थी रानी, जात अलग थी। बैकग्राउंड से आवाज आती है, जो सपना देख रही हो विधि, उसमें मेरे लिए कोई जगह नहीं है। जवाब मिलता है, तो फिर तुम ही बताओ नीलेश कि इस फिल्म का क्या करूं। गाना चलता है, दुनिया अलग है मेरी तुम्हारी, कैसे मिलेंगे आग और पानी। इस फिल्म को जी स्टूडियो, धर्मा प्रोडक्शन और क्राउन 9 पिक्चर्स मिलकर बना रहे हैं। फिल्म को लेकर जानकारी साझा की गई है। टीजर वीडियो देखकर लग रहा है कि यह एक ऐसी लव स्टोरी फिल्म लग रही है, जो सामाजिक प्रथाओं को चुनौती देती नजर आ रही है। फिल्म में जाति और वर्गों में बटे समाज की हकीकत पेश किया गया है। करण जौहर के पोस्टर पर सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने हार्ट इमोजी पोस्ट कर रिएक्शन दिए है। फिल्म का ऐलान होने पर यूजर की प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ यूजर जानवी और ईशान को याद करते दिख रहे, कुछ यूजर उत्साह जताते हुए दावा कर रहे हैं यह फिल्म धमाका करेगी। एक यूजर ने लिखा, फाइनली ऐलान तो हुआ, दीप्ति डिमरी और सिद्धार्थ की फिल्म कमाल करेंगी, ये तो तय है। अब वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में धड़क 2 जल्दी आने वाली है। इसका टीजर वीडियो रिलीज कर दिया है और ये फिल्म इसी साल आने वाली है। इसके बारे में बात करेंगे। जोहर ने धड़क 2 का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। यह फिल्म इसी साल सिनेमा घर में दस्तक देगी। सिद्धार्थ चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी फिल्म में रीड भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म के निर्देशक का जिम्मा शाजिया इकबाल ने संभाला है। करण जौहर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर फिल्म का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट साझा किया है। इसमें फिल्म का एक टीजर वीडियो साझा किया गया है। इसके साथ ही कैप्शन में लिखा है, यह कहानी है थोड़ी अलग, क्योंकि एक था राजा एक थी रानी, जात अलग थी, खत्म कहानी। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि फिल्म में तृप्ति डिमरी और सिद्धार्थ चतुर्वेदी लीड रोल में है। यह फिल्म 22 नवंबर को रिलीज होगी। फिल्म का टीजर देखकर लग रहा है कि किसी दुख भरी कहानी पर आधारित होगी। शुरुआत में लिखा आता है, एक था राजा एक थी रानी, जात अलग थी। बैकग्राउंड से आवाज आती है, जो सपना देख रही हो विधि, उसमें मेरे लिए कोई जगह नहीं है। जवाब मिलता है, तो फिर तुम ही बताओ नीलेश कि इस फिल्म का क्या करूं। गाना चलता है, दुनिया अलग है मेरी तुम्हारी, कैसे मिलेंगे आग और पानी। इस फिल्म को जी स्टूडियो, धर्मा प्रोडक्शन और क्राउन 9 पिक्चर्स मिलकर बना रहे हैं। फिल्म को लेकर जानकारी साझा की गई है। टीजर वीडियो देखकर लग रहा है कि यह एक ऐसी लव स्टोरी फिल्म लग रही है, जो सामाजिक प्रथाओं को चुनौती देती नजर आ रही है। फिल्म में जाति और वर्गों में बटे समाज की हकीकत पेश किया गया है। करण जौहर के पोस्टर पर सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने हार्ट इमोजी पोस्ट कर रिएक्शन दिए है। फिल्म का ऐलान होने पर यूजर की प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ यूजर जानवी और ईशान को याद करते दिख रहे, कुछ यूजर उत्साह जताते हुए दावा कर रहे हैं यह फिल्म धमाका करेगी। एक यूजर ने लिखा, फाइनली ऐलान तो हुआ, दीप्ति डिमरी और सिद्धार्थ की फिल्म कमाल करेंगी, ये तो तय है। अब वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में धड़क 2 जल्दी आने वाली है। इसका टीजर वीडियो रिलीज कर दिया है और ये फिल्म इसी साल आने वाली है। इसके बारे में बात करेंगे। जोहर ने धड़क 2 का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। यह फिल्म इसी साल सिनेमा घर में दस्तक देगी। सिद्धार्थ चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी फिल्म में रीड भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म के निर्देशक का
जिम्मा शाजिया इकबाल ने संभाला है। करण जौहर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर फिल्म का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट साझा किया है, इसमें फिल्म का एक टीजर वीडियो साझा किया गया है। इसके साथ ही कैप्शन में लिखा है, यह कहानी है थोड़ी अलग, क्योंकि एक था राजा एक थी रानी, जात अलग थी, खत्म कहानी। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि फिल्म में दीप्ति डिमरी और सिद्धार्थ चतुर्वेदी लीड रोल में है। यह फिल्म 22 नवंबर को रिलीज होगी। फिल्म का टीजर देखकर लग रहा है कि किसी दुख भरी कहानी पर आधारित होगी। शुरुआत में लिखा आता है, एक था राजा एक थी रानी, जात अलग थी। बैकग्राउंड से आवाज आती है, जो सपना देख रही हो विधि, उसमें मेरे लिए कोई जगह नहीं है। जवाब मिलता है, तो फिर तुम ही बताओ नीलेश कि इस फीलिंग का क्या करूं। गाना चलता है, दुनिया अलग है मेरी तुम्हारी, कैसे मिलेंगे आग और पानी। इस फिल्म को जी स्टूडियो, धर्मा प्रोडक्शन और क्राउन 9 पिक्चर मिलकर बना रहे हैं। फिल्म को लेकर जानकारी साझा की गई है। टीजर वीडियो देखकर लग रहा है कि यह एक ऐसी लव स्टोरी फिल्म लग रही है, जो सामाजिक प्रथाओं को चुनौती देती नजर आ रही है। फिल्म में जाति और वर्गों में बटे समाज की हकीकत पेश किया गया है। करण जौहर के पोस्टर पर सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने हार्ट इमोजी पोस्ट कर रिएक्शन दिए है। फिल्म का ऐलान होने पर यूजर की प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ यूजर जानवी और ईशान को याद करते दिख रहे हैं। कुछ यूजर उत्साह जताते हुए दावा कर रहे हैं यह फिल्म धमाका करेगी। एक यूजर ने लिखा, फाइनली ऐलान तो हुआ, दीप्ति डिमरी और सिद्धार्थ की फिल्म कमाल करेंगी, ये तो तय है। अब वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में धड़क 2 जल्दी आने वाली है, इसका टीजर वीडियो रिलीज कर दिया है और ये फिल्म इसी साल आने वाली है, इसके बारे में बात करेंगे। जौहर ने धड़क 2 का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। यह फिल्म इसी साल सिनेमा घर में दस्तक देगी। सिद्धार्थ चतुर्वेदी और दीप्ति डिमरी फिल्म में रीढ़ भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म के निर्देशक का जिम्मा शाजिया इकबाल ने संभाला है। करण जौहर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर फिल्म का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट साझा किया है, इसमें फिल्म का एक टीजर वीडियो साझा किया गया है। इसके साथ ही कैप्शन में लिखा है, यह कहानी है थोड़ी अलग, क्योंकि एक था राजा एक थी रानी, जात अलग थी, खत्म कहानी। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि फिल्म में दीप्ति डिमरी और सिद्धार्थ चतुर्वेदी लीड रोल में है। यह फिल्म 22 नवंबर को रिलीज होगी। फिल्म का टीजर देखकर लग रहा है कि किसी दुख भरी कहानी पर आधारित होगी। शुरुआत में लिखा आता है, एक था राजा एक थी रानी, जात अलग थी। बैकग्राउंड से आवाज आती है, जो सपना देख रही हो विधि, उसमें मेरे लिए कोई जगह नहीं है। जवाब मिलता है, तो फिर तुम ही बताओ नीलेश कि इस फीलिंग का क्या करूं। गाना चलता है, दुनिया अलग है मेरी तुम्हारी, कैसे मिलेंगे आग और पानी। इस फिल्म को जी स्टूडियो, धर्मा प्रोडक्शन और क्राउन 9 पिक्चर्स मिलकर बना रहे हैं। फिल्म को लेकर जानकारी साझा की गई है। टीजर वीडियो देखकर लग रहा है कि यह एक ऐसी लव स्टोरी फिल्म लग रही है, जो सामाजिक प्रथाओं को चुनौती देती नजर आ रही है। फिल्म में जाति और वर्गों में बटे समाज की हकीकत पेश किया गया है। करण जौहर के पोस्टर पर सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने हार्ट इमोजी पोस्ट कर रिएक्शन दिए है। फिल्म का ऐलान होने पर यूजर की प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ यूजर जानवी और ईशान को याद करते दिख रहे हैं। कुछ यूजर उत्साह जताते हुए दावा कर रहे हैं यह फिल्म धमाका करेगी। एक यूजर ने लिखा, फाइनली ऐलान तो हुआ, दीप्ति डिमरी और सिद्धार्थ की फिल्म कमाल करेंगी, ये तो तय है। अब वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में धड़क 2 जल्दी आने वाली है, इसका टीजर वीडियो रिलीज कर दिया है और ये फिल्म इसी साल आने वाली है, इसके बारे में बात करेंगे। करण जौहर ने धड़क 2 का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। यह फिल्म इसी साल सिनेमा घर में दस्तक देगी। सिद्धार्थ चतुर्वेदी और दीप्ति डिमरी फिल्म में रीढ़ भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म के निर्देशक का जिम्मा शाजिया इकबाल ने संभाला है। करण जौहर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर फिल्म का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट साझा किया है, इसमें फिल्म का एक टीजर वीडियो साझा किया गया है।
इसके साथ ही कैप्शन में लिखा है, यह कहानी है थोड़ी अलग क्योंकि एक था राजा एक थी रानी, जात अलग थी, खत्म कहानी। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि फिल्म में दीप्ति डिमरी और सिद्धार्थ चतुर्वेदी लीड रोल में है। यह फिल्म 22 नवंबर को रिलीज होगी। फिल्म का टीजर देखकर लग रहा है कि किसी दुख भरी कहानी पर आधारित होगी। शुरुआत में लिखा आता है, एक था राजा एक थी रानी, जात अलग थी। बैकग्राउंड से आवाज आती है, जो सपना देख रही हो विधि, उसमें मेरे लिए कोई जगह नहीं है। जवाब मिलता है, तो फिर तुम ही बताओ नीलेश कि इस फिल्म का क्या करूं। गाना चलता है, दुनिया अलग है मेरी तुम्हारी, कैसे मिलेंगे आग और पानी। इस फिल्म को जी स्टूडियो, धर्मा प्रोडक्शन और क्राउन 9 पिक्चर्स मिलकर बना रहे हैं। फिल्म को लेकर जानकारी साझा की गई है। टीजर वीडियो देखकर लग रहा है कि यह एक ऐसी लव स्टोरी फिल्म लग रही है जो सामाजिक प्रथाओं को चुनौती देती नजर आ रही है। फिल्म में जाति और वर्गों में बटे समाज की हकीकत पेश किया गया है। करण जौहर के पोस्टर पर सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने हार्ट इमोजी पोस्ट कर रिएक्शन दिए है। फिल्म का ऐलान होने पर यूजर की प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ यूजर जानवी और ईशान को याद करते दिख रहे हैं। कुछ यूजर उत्साह जताते हुए दावा कर रहे हैं यह फिल्म धमाका करेगी। एक यूजर ने लिखा, फाइनली ऐलान तो हुआ, दीप्ति डिमरी और सिद्धार्थ की फिल्म कमाल करेंगी, ये तो तय है। अब वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में धड़क 2 जल्दी आने वाली है, इसका टीजर वीडियो रिलीज कर दिया है और ये फिल्म इसी साल आने वाली है, इसके बारे में बात करेंगे। जो ने धड़क 2 का आधिकारिक ऐलान कर दिया है, यह फिल्म इसी साल सिनेमा घर में दस्तक देगी। सिद्धार्थ चतुर्वेदी और दीप्ति डिमरी फिल्म में रीढ़ भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म के निर्देशक का जिम्मा शाजिया इकबाल ने संभाला है। करण जौहर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर फिल्म का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट साझा किया है, इसमें फिल्म का एक टीजर वीडियो साझा किया गया है। इसके साथ ही कैप्शन में लिखा है, यह कहानी है थोड़ी अलग क्योंकि एक था राजा एक थी रानी, जात अलग थी, खत्म कहानी। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि फिल्म में दीप्ति डिमरी और सिद्धार्थ चतुर्वेदी लीड रोल में है। यह फिल्म 22 नवंबर को रिलीज होगी। फिल्म का टीजर देखकर लग रहा है कि किसी दुख भरी कहानी पर आधारित होगी। शुरुआत में लिखा आता है, एक था राजा एक थी रानी, जात अलग थी। बैकग्राउंड से आवाज आती है, जो सपना देख रही हो विधि, उसमें मेरे लिए कोई जगह नहीं है। जवाब मिलता है, तो फिर तुम ही बताओ नीलेश कि इस फिल्म का क्या करूं। गाना चलता है, दुनिया अलग है मेरी तुम्हारी, कैसे मिलेंगे आग और पानी। इस फिल्म को जी स्टूडियो, धर्मा प्रोडक्शन और क्राउन 9 पिक्चर्स मिलकर बना रहे हैं। फिल्म को लेकर जानकारी साझा की गई है। टीजर वीडियो देखकर लग रहा है कि यह एक ऐसी लव स्टोरी फिल्म लग रही है जो सामाजिक प्रथाओं को चुनौती देती नजर आ रही है। फिल्म में जाति और वर्गों में बटे समाज की हकीकत पेश किया गया है। करण जौहर के पोस्टर पर सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने हार्ट इमोजी पोस्ट कर रिएक्शन दिए है। फिल्म का ऐलान होने पर यूजर की प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ यूजर जानवी और ईशान को याद करते दिख रहे हैं। कुछ यूजर उत्साह जताते हुए दावा कर रहे हैं यह फिल्म धमाका करेगी। एक यूजर ने लिखा, फाइनली ऐलान तो हुआ, दीप्ति डिमरी और सिद्धार्थ की फिल्म कमाल करेंगी, ये तो तय है। अब वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में धड़क 2 जल्दी आने वाली है, इसका टीजर वीडियो रिलीज कर दिया है और ये फिल्म इसी साल आने वाली है, इसके बारे में बात करेंगे। जोर ने धड़क 2 का आधिकारिक ऐलान कर दिया है, यह फिल्म इसी साल सिनेमा घर में दस्तक देगी। सिद्धार्थ चतुर्वेदी और दीप्ति डिमरी फिल्म में रीढ़ भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म के निर्देशक का जिम्मा शाजिया इकबाल ने संभाला है। करण जौहर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर फिल्म का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट साझा किया है, इसमें फिल्म का एक टीजर वीडियो साझा किया गया है।
इसके साथ ही कैप्शन में लिखा है, यह कहानी है थोड़ी अलग क्योंकि एक था राजा एक थी रानी, जात अलग थी, खत्म कहानी। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि फिल्म में दीप्ति डिमरी और सिद्धार्थ चतुर्वेदी लीड रोल में है। यह फिल्म 22 नवंबर को रिलीज होगी। फिल्म का टीजर देखकर लग रहा है कि किसी दुख भरी कहानी पर आधारित होगी। शुरुआत में लिखा आता है, एक था राजा एक थी रानी, जात अलग थी। बैकग्राउंड से आवाज आती है, जो सपना देख रही हो विटी, उसमें मेरे लिए कोई जगह नहीं है। जवाब मिलता है, तो फिर तुम ही बताओ नीलेश कि इस फीलिंग का क्या करूं। गाना चलता है, दुनिया अलग है मेरी तुम्हारी, कैसे मिलेंगे आग और पानी। इस फिल्म को जी स्टूडियो, धर्मा प्रोडक्शन और क्राउन 9 पिक्चर्स मिलकर बना रहे हैं। फिल्म को लेकर जानकारी साझा की गई है। टीजर वीडियो देखकर लग रहा है कि यह एक ऐसी लव स्टोरी फिल्म लग रही है जो सामाजिक प्रथाओं को चुनौती देती नजर आ रही है। फिल्म में जाति और वर्गों में बटे समाज की हकीकत पेश किया गया है। करण जौहर के पोस्टर पर सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने हार्ट इमोजी पोस्ट कर रिएक्शन दिए है। फिल्म का ऐलान होने पर यूजर की प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ यूजर जानवी और ईशान को याद करते दिख रहे, कुछ यूजर उत्साह जताते हुए दावा कर रहे हैं यह फिल्म धमाका करेगी। एक यूजर ने लिखा, फाइनली ऐलान तो हुआ, दीप्ति डिमरी और सिद्धार्थ की फिल्म कमाल करेंगी, ये तो तय है। अब वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में धड़क 2 जल्दी आने वाली है, इसका टीजर वीडियो रिलीज कर दिया है और ये फिल्म इसी साल आने वाली है, इसके बारे में बात करेंगे। जोहर ने धड़क 2 का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। यह फिल्म इसी साल सिनेमा घर में दस्तक देगी। सिद्धार्थ चतुर्वेदी और दीप्ति डिमरी फिल्म में रीढ़ भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म के निर्देशक का जिम्मा शाजिया इकबाल ने संभाला है। करण जौहर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर फिल्म का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट साझा किया है, इसमें फिल्म का एक टीजर वीडियो साझा किया गया है। इसके साथ ही कैप्शन में लिखा है, यह कहानी है थोड़ी अलग क्योंकि एक था राजा एक थी रानी, जात अलग थी, खत्म कहानी। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि फिल्म में दीप्ति डिमरी और सिद्धार्थ चतुर्वेदी लीड रोल में है। यह फिल्म 22 नवंबर को रिलीज होगी। फिल्म का टीजर देखकर लग रहा है कि किसी दुख भरी कहानी पर आधारित होगी। शुरुआत में लिखा आता है, एक था राजा एक थी रानी, जात अलग थी। बैकग्राउंड से आवाज आती है, जो सपना देख रही हो विटी, उसमें मेरे लिए कोई जगह नहीं है। जवाब मिलता है, तो फिर तुम ही बताओ नीलेश कि इस फिल्म का क्या करूं। गाना चलता है, दुनिया अलग है मेरी तुम्हारी, कैसे मिलेंगे आग और पानी। इस फिल्म को जी स्टूडियो, धर्मा प्रोडक्शन और क्राउन 9 पिक्चर्स मिलकर बना रहे हैं। फिल्म को लेकर जानकारी साझा की गई है। टीजर वीडियो देखकर लग रहा है कि यह एक ऐसी लव स्टोरी फिल्म लग रही है जो सामाजिक प्रथाओं को चुनौती देती नजर आ रही है। फिल्म में जाति और वर्गों में बटे समाज की हकीकत पेश किया गया है। करण जौहर के पोस्टर पर सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने हार्ट इमोजी पोस्ट कर रिएक्शन दिए है। फिल्म का ऐलान होने पर यूजर की प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ यूजर जानवी और ईशान को याद करते दिख रहे, कुछ यूजर उत्साह जताते हुए दावा कर रहे हैं यह फिल्म धमाका करेगी। एक यूजर ने लिखा, फाइनली ऐलान तो हुआ, दीप्ति डिमरी और सिद्धार्थ की फिल्म कमाल करेंगी, ये तो तय है। अब वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में धड़क 2 जल्दी आने वाली है, इसका टीजर वीडियो रिलीज कर दिया है और ये फिल्म इसी साल आने वाली है, इसके बारे में बात करेंगे। जोहर ने धड़क 2 का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। यह फिल्म इसी साल सिनेमा घर में दस्तक देगी। सिद्धार्थ चतुर्वेदी और दीप्ति डिमरी फिल्म में रीढ़ भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म के निर्देशक का जिम्मा शाजिया इकबाल ने संभाला है। करण जौहर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर फिल्म का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट साझा किया है, इसमें फिल्म का एक टीजर वीडियो साझा किया गया है।
इसके साथ ही कैप्शन में लिखा है, यह कहानी है थोड़ी अलग क्योंकि एक था राजा एक थी रानी, जात अलग थी, खत्म कहानी। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि फिल्म में दीप्ति डिमरी और सिद्धार्थ चतुर्वेदी लीड रोल में है। यह फिल्म 22 नवंबर को रिलीज होगी। फिल्म का टीजर देखकर लग रहा है कि किसी दुख भरी कहानी पर आधारित होगी। शुरुआत में लिखा आता है, एक था राजा एक थी रानी, जात अलग थी। बैकग्राउंड से आवाज आती है, जो सपना देख रही हो विधि, उसमें मेरे लिए कोई जगह नहीं है। जवाब मिलता है, तो फिर तुम ही बताओ नीलेश कि इस फिल्म का क्या करूं। गाना चलता है, दुनिया अलग है मेरी तुम्हारी, कैसे मिलेंगे आग और पानी। इस फिल्म को जी स्टूडियो, धर्मा प्रोडक्शन और क्राउन 9 पिक्चर्स मिलकर बना रहे हैं। फिल्म को लेकर जानकारी साझा की गई है। टीजर वीडियो देखकर लग रहा है कि यह एक ऐसी लव स्टोरी फिल्म लग रही है जो सामाजिक प्रथाओं को चुनौती देती नजर आ रही है। फिल्म में जाति और वर्गों में बटे समाज की हकीकत पेश किया गया है। करण जौहर के पोस्टर पर सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने हार्ट इमोजी पोस्ट कर रिएक्शन दिए है। फिल्म का ऐलान होने पर यूजर की प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ यूजर जानवी और ईशान को याद करते दिख रहे हैं। कुछ यूजर उत्साह जताते हुए दावा कर रहे हैं यह फिल्म धमाका करेगी। एक यूजर ने लिखा, फाइनली ऐलान तो हुआ, दीप्ति डिमरी और सिद्धार्थ की फिल्म कमाल करेंगी, ये तो तय है। अब वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में धड़क 2 जल्दी आने वाली है, इसका टीजर वीडियो रिलीज कर दिया है और ये फिल्म इसी साल आने वाली है, इसके बारे में बात करेंगे। जोहर ने धड़क 2 का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। यह फिल्म इसी साल सिनेमा घर में दस्तक देगी। सिद्धार्थ चतुर्वेदी और दीप्ति डिमरी फिल्म में रीढ़ भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म के निर्देशक का जिम्मा शाजिया इकबाल ने संभाला है। करण जौहर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर फिल्म का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट साझा किया है, इसमें फिल्म का एक टीजर वीडियो साझा किया गया है। इसके साथ ही कैप्शन में लिखा है, यह कहानी है थोड़ी अलग क्योंकि एक था राजा एक थी रानी, जात अलग थी, खत्म कहानी। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि फिल्म में दीप्ति डिमरी और सिद्धार्थ चतुर्वेदी लीड रोल में है। यह फिल्म 22 नवंबर को रिलीज होगी। फिल्म का टीजर देखकर लग रहा है कि किसी दुख भरी कहानी पर आधारित होगी। शुरुआत में लिखा आता है, एक था राजा एक थी रानी, जात अलग थी। बैकग्राउंड से आवाज आती है, जो सपना देख रही हो विधि, उसमें मेरे लिए कोई जगह नहीं है। जवाब मिलता है, तो फिर तुम ही बताओ नीलेश कि इस फिल्म का क्या करूं। गाना चलता है, दुनिया अलग है मेरी तुम्हारी, कैसे मिलेंगे आग और पानी। इस फिल्म को जी स्टूडियो, धर्मा प्रोडक्शन और क्राउन 9 पिक्चर्स मिलकर बना रहे हैं। फिल्म को लेकर जानकारी साझा की गई है। टीजर वीडियो देखकर लग रहा है कि यह एक ऐसी लव स्टोरी फिल्म लग रही है जो सामाजिक प्रथाओं को चुनौती देती नजर आ रही है। फिल्म में जाति और वर्गों में बटे समाज की हकीकत पेश किया गया है। करण जौहर के पोस्टर पर सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने हार्ट इमोजी पोस्ट कर रिएक्शन दिए है। फिल्म का ऐलान होने पर यूजर की प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ यूजर जानवी और ईशान को याद करते दिख रहे हैं। कुछ यूजर उत्साह जताते हुए दावा कर रहे हैं यह फिल्म धमाका करेगी। एक यूजर ने लिखा, फाइनली ऐलान तो हुआ, दीप्ति डिमरी और सिद्धार्थ की फिल्म कमाल करेंगी, ये तो तय है। अब वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में धड़क 2 जल्दी आने वाली है, इसका टीजर वीडियो रिलीज कर दिया है और ये फिल्म इसी साल आने वाली है, इसके बारे में बात करेंगे। जोहर ने धड़क 2 का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। यह फिल्म इसी साल सिनेमा घर में दस्तक देगी। सिद्धार्थ चतुर्वेदी और दीप्ति डिमरी फिल्म में रीढ़ भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म के निर्देशक का जिम्मा शाजिया इकबाल ने संभाला है। करण जौहर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर फिल्म का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट साझा किया है, इसमें फिल्म का एक टीजर वीडियो साझा किया गया है।
इसके साथ ही कैप्शन में लिखा है, यह कहानी है थोड़ी अलग क्योंकि एक था राजा एक थी रानी, जात अलग थी, खत्म कहानी। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि फिल्म में दीप्ति डिमरी और सिद्धार्थ चतुर्वेदी वीर रोल में है। यह फिल्म 22 नवंबर को रिलीज होगी। फिल्म का टीजर देखकर लग रहा है कि किसी दुख भरी कहानी पर आधारित होगी। शुरुआत में लिखा आता है, एक था राजा एक थी रानी, जात अलग थी। बैकग्राउंड से आवाज आती है, जो सपना देख रही हो विधि, उसमें मेरे लिए कोई जगह नहीं है। जवाब मिलता है, तो फिर तुम ही बताओ नीलेश कि इस फिल्म का क्या करूं। गाना चलता है, दुनिया अलग है मेरी तुम्हारी, कैसे मिलेंगे आग और पानी। इस फिल्म को जी स्टूडियो, धर्मा प्रोडक्शन और क्राउन 9 पिक्चर्स मिलकर बना रहे हैं। फिल्म को लेकर जानकारी साझा की गई है। टीजर वीडियो देखकर लग रहा है कि यह एक ऐसी लव स्टोरी फिल्म लग रही है जो सामाजिक प्रथाओं को चुनौती देती नजर आ रही है। फिल्म में जाति और वर्गों में बटे समाज की हकीकत पेश किया गया है। करण जौहर के पोस्टर पर सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने हार्ड इमोजी पोस्ट कर रिएक्शन दिए है। फिल्म का ऐलान होने पर यूजर की प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ यूजर जानवी और ईशान को याद करते दिख रहे हैं। कुछ यूजर उत्साह जताते हुए दावा कर रहे हैं यह फिल्म धमाका करेगी। एक यूजर ने लिखा, फाइनली ऐलान तो हुआ, दीप्ति डिमरी और सिद्धार्थ की फिल्म कमाल करेंगी, ये तो तय है। अब वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में धड़क 2 जल्दी आने वाली है, इसका टीजर वीडियो रिलीज कर दिया है और ये फिल्म इसी साल आने वाली है, इसके बारे में बात करेंगे। जोहर ने धड़क 2 का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। यह फिल्म इसी साल सिनेमा घर में दस्तक देगी। सिद्धार्थ चतुर्वेदी और दीप्ति डिमरी फिल्म में रीड भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म के निर्देशक का जिम्मा शाजिया इकबाल ने संभाला है। करण जौहर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर फिल्म का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट साझा किया है, इसमें फिल्म का एक टीजर वीडियो साझा किया गया है। इसके साथ ही कैप्शन में लिखा है, यह कहानी है थोड़ी अलग क्योंकि एक था राजा एक थी रानी, जात अलग थी, खत्म कहानी। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि फिल्म में दीप्ति डिमरी और सिद्धार्थ चतुर्वेदी वीर रोल में है। यह फिल्म 22 नवंबर को रिलीज होगी। फिल्म का टीजर देखकर लग रहा है कि किसी दुख भरी कहानी पर आधारित होगी। शुरुआत में लिखा आता है, एक था राजा एक थी रानी, जात अलग थी। बैकग्राउंड से आवाज आती है, जो सपना देख रही हो विधि, उसमें मेरे लिए कोई जगह नहीं है। जवाब मिलता है, तो फिर तुम ही बताओ नीलेश कि इस फिल्म का क्या करूं। गाना चलता है, दुनिया अलग है मेरी तुम्हारी, कैसे मिलेंगे आग और पानी। इस फिल्म को जी स्टूडियो, धर्मा प्रोडक्शन और क्राउन 9 पिक्चर्स मिलकर बना रहे हैं। फिल्म को लेकर जानकारी साझा की गई है। टीजर वीडियो देखकर लग रहा है कि यह एक ऐसी लव स्टोरी फिल्म लग रही है जो सामाजिक प्रथाओं को चुनौती देती नजर आ रही है। फिल्म में जाति और वर्गों में बटे समाज की हकीकत पेश किया गया है। करण जौहर के पोस्टर पर सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने हार्ड इमोजी पोस्ट कर रिएक्शन दिए है। फिल्म का ऐलान होने पर यूजर की प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ यूजर जानवी और ईशान को याद करते दिख रहे हैं। कुछ यूजर उत्साह जताते हुए दावा कर रहे हैं यह फिल्म धमाका करेगी। एक यूजर ने लिखा, फाइनली ऐलान तो हुआ, दीप्ति डिमरी और सिद्धार्थ की फिल्म कमाल करेंगी, ये तो तय है।